श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्यन्वितो पापोताप निकृन्तनोत्तनुभृता गोविंद गानामृते आनन्दाम्बुदिवर्धनेक निपुणो केवल्यनिस्तारको वंदे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगो पालको आजानुलंबित भुजो करुणावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वां शरणं प्रपन्न ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत स्वरूप पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में
इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहूँगा, महाभागवतों की इस कथा में, इस तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। अवतार सार गौरा अवतार। जैसे गौ माता का सार क्या है, सो गौ माता का सार है घी, क्योंकि गाय से दूध निकलता है, दूध से दही बनता है, दही से माखन बनता है और रिफाइन करते 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 अंत में सब का सार घी के रूप में प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार यूं तो वेदों के शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का सार है श्रीमती राधा रानी, और वह कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यदि कहना हो कि भगवद गीता उत्तम, क्योंकि जिसमें भगवान कृष्ण की वाणी है, लेकिन उससे भी उत्तम जिसमें उस भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है श्रीमद् भागवतम। लेकिन भागवत से भी उत्तम, क्योंकि भागवत में केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, राधा रानी का इतना वर्णन नहीं है। परंतु वही कृष्ण और श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्रीमद् भागवत के जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन वही कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तब वो करुणा पुरुषोत्तम हो गए। वही लीला करने वाला इस कलयुग में करुणा करने वाला हो गया, और कैसी करुणा, अकारण करुणा। देखिए कृष्ण ने सुदामा के ऊपर तब तक कृपा नहीं की जब तक वो बेचारा सुदामा मुट्ठी चावल भरकर पोरबंदर से द्वारिका नहीं गया। कृष्ण ने करुणा की, राम जी ने कृपा की, लेकिन किस पर, जो लोग उनके पास चलकर आए उन पर। बाकी पूतना, रावण, कुंभकर्ण ये सब लोग भगवान के सामने थे, उन पर कृपा नहीं हुई। जो बहुत बहुत सेक्रीफाइस करके, बहुत त्याग कर राम जी के पास, कृष्ण जी के पास आए उन पर। लेकिन धन्य है श्री चैतन्य महाप्रभु। माया मुग्ध जीव संसार में रचे पचे थे और महाप्रभु स्वयं अपना घर बार छोड़कर संन्यास लेकर संसार के मायाबद्ध जीवों के पास चलकर गए। अन्य अन्य अवतारों में भगवान ने अपेक्षा रखी है कि बंदा मेरे पास आएगा तब उद्धार करूंगा। कृष्ण की ये अपेक्षा भगवत गीता में है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अर्जुन, मेरी शरण में आएगा तो उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। मतलब भगवत गीता में भी अपेक्षा है, भगवान श्री कृष्ण की एक्सपेक्टेशन है कि कोई मेरे पास आए। लेकिन धन्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, कोई अपेक्षा नहीं। पापी तापी पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवन के पास जा जाकर उनको गले मिलकर अपनी प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति का दान कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और इसीलिए भगवत गीता से उत्तम भागवत और भागवत से भी उत्तम है श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की कथा। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की कथा को या चैतन्य चरितामृत को
पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ कहा, सबसे ऊंचा ग्रंथ है। और यदि चैतन्य महाप्रभु की लीला को, उनकी कथा को जानना हो, महाप्रभु की करुणा को समझना हो, तो हमें षड गोस्वामी रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी की शरणों में जाना होगा। क्यों? आइए कूदते हैं, तैयार हैं? क्योंकि षड गोस्वामी के विषय में कहा गया, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समुन्यन्वितो पापोताप निकृंतनो तनुभृता गोविंद गा नामृते आनंदाम्बुदिवर्धने कनिपूर्णो केवल्यनिस्तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गो पालको। भगवत गीता नहीं, भागवत नहीं, सभी अवतारों का सार राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण का वर्णन करने में बड़े एक्सपर्ट थे ये छह गोस्वामी। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो क्या करते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवाद करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के गुणानुवाद करने में रात दिन लगे रहते थे। और श्रद्धा समृद्ध यन्वितो, ये बहुत समृद्ध थे। आजकल समृद्ध आदमी किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस होता है, बड़े बड़े घर इमारतें होती हैं, समृद्ध। ये पहली लाइन में श्रद्धा समृद्ध शब्द है। तो इस दुनिया में ये रुपया पैसा डॉलर पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये सब वास्तविक समृद्धि नहीं है। वास्तविक समृद्धि क्या है? श्रद्धा समृद्ध यन्वितो, श्रद्धा ये वास्तविक समृद्धि है, यदि समझ में आए तो। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी वस्तु को पैसों से खरीदा जा सकता है, उसे हासिल किया जा सके, थोड़ा पुरुषार्थ मेहनत करो प्राप्त कर लोगे। लेकिन श्रद्धा जो है वो किसी पैसों से हासिल नहीं की जाती। श्रद्धा कैसे मिलती है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, लोलुपता लालसा। तो श्रद्धा रूपी समृद्धि से भरे हुए थे हमारे षड गोस्वामी गण। तो दो चीज पहली लाइन में दो चीज आई, श्री गौरांग गुणानुवर्णन, वर्णन अलग चीज है, अनुवर्णन अलग चीज है। गौरांग चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते थे, लेकिन वर्णन ही नहीं, अनुवर्णन माने बारंबार, रिपीटेड, बारंबार। और कोई व्यक्ति किसी के बारे में बारंबार क्यों गाता है, मुझे बताइए। मतलब एक बार किसी का गुण गाया, दो बार गाया, अब ले देकर बारंबार किसी के बारे में गाना गाना गाना, इसका अर्थ यही है कि वो जिसके बारे में गा रहा है उससे प्रेम करता है।
क्योंकि बहुत वर्ष पूर्व हमारे भारत के किसी बंदे ने कहा था, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जिसके दिल में प्रेम होगा और जो वास्तव में किसी से प्यार करेगा, वो जिससे प्यार करता है उसको गाए बिना रह नहीं सकता। इसलिए हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और यदि गाएगा तो दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो यहां पर षड गोस्वामी दीवाने हो चुके थे, किसके? गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के। और इसीलिए ये महाप्रभु को गाते थे, गुणानुवर्णन, महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते थे, और श्रद्धा रूपी समृद्धि से युक्त थे। भक्तों, जीवन में थोड़े बहुत पैसे यहां वहां हो जाए ना तो चला लीजिएगा, लेकिन श्रद्धा यहां वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बहुत बड़ा धन है। और कहीं ऐसी गलत संगति में न पड़ जाए कि हमारी वर्षों की श्रद्धा को ठेस पहुंच जाए, हमारी वर्षों की किसी भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्त के प्रति श्रद्धा टूट न जाए, कहीं ऐसी गलत संगति में न पड़ जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस दुनिया में आपकी श्रद्धा तोड़ने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं। सो श्रद्धा समृद्ध यन्वितो, और क्या करते हैं, पापो ताप निकृंतनो तनुभृताम। इस संसार में तनुभृताम, इस संसार के लोग अनेकों प्रकार के पाप और ताप में फंसे हुए हैं। पाप के कारण ही ताप होता है, बहुत सुंदर रचना है ये। पाप और ताप, ताप माने दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो हमारे जीवन में ताप क्यों आते हैं? क्योंकि पाप है। जो जो जिसके जीवन में दुख है ना, प्रॉब्लम है ना, उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं पाप किया है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया पाप ही ताप बनकर, माने दुख बनकर प्रकट होता है। लेकिन पाप करके जो तप्त है, ऐसे दुखी दग्ध जीवों को परम आनंद प्रदान करते, क्या करके? गोविंद गानामृते, गोविंद भगवान श्री कृष्ण की कथा को गाकर, कृष्ण कथा बोलकर, कृष्ण कथा देकर उन पापी तापी जीवों को पवित्र करते। और आनंदम बुद्धि वर्धनेक निपुणों, और इस प्रकार से कथा गाते, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला को बोलते लिखते कि दिन प्रतिदिन आनंद अम्बुधि वर्धने का। अब आप देखिए, हम लोग 2 साल से, अब तो 2 साल होने को आया, कुछ लोग तो 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हम रोज देखते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा आनंद बढ़ रहा है, हम बढ़ते हुए आनंद की ओर जा रहे हैं। भगवत लीला, भगवत चर्चा, भगवत कथा का स्वरूप ही ऐसा है कि जितना सुनेंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हमारे भोजन में क्या होता है, आप जितना भोजन करोगे प्रत्येक ग्रास पर वो आनंद कम होता जाएगा। आपने पहला कवर जो खाया है, पहला ग्रास जो खाया है, वो 10वें ग्रास में उतना आनंद नहीं होगा। भोजन आपको, आपका जो भी रुचिकर भोजन है, आपको जो आइटम अच्छी लगती है आपने खाया, तो पहला कॉल जो खाया है वो 10वें ग्रास में उतना आनंद नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। और फिर 20वें, 30वें, 100वें ग्रास में तो आपको वॉमिट होने लगेगी, बस अब बंद करो यार। भौतिक संसार का कुछ ऐसा है कि आप शुरू शुरू में आनंद देती हैं भौतिक वस्तुएं, लेकिन धीरे 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 वो आनंद कम होता जाता है। परंतु अध्यात्म वस्तु,
भगवान से जुड़ी हुई वस्तु और विशेष रूप से भगवत कथा जितना सुनोगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। सही इस प्रकार से कथा करते आनंद अम्बुधि वर्धन, एक आनंद रूपी समुद्र का वर्धन होता और निपुणों लोगों के आनंद का वर्धन करने में ये निपुण थे, एक्सपर्ट थे। वे जानते थे कि लोगों का आनंद केवल गोविंद गाना मृते, गोविंद को गाकर कृष्ण की कथा से ही आनंद बढ़ सकता है, इसलिए लोगों के आनंद को बढ़ाना ये जानते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इस दुनिया में आप किसी को सुख देना चाहते हो, किसी को आनंद देना चाहते हो, तो किसी को भोजन करा दिया, वो भोजन कितना आनंद देगा एक टाइम के लिए। किसी को कपड़ा दे दिया, कंबल दे दिया, वो कितना आनंद देगा। लेकिन सबसे अधिक आनंद कृष्ण कथा में है, भगवत कथा में है। तो यहां पर वही तीसरी लाइन में कहा गया है कि लोगों के आनंद को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें ये निपुण थे, एक्सपर्ट थे षड गोस्वामी, क्योंकि वो जानते थे कि जीव का आनंद एकमात्र गोविंद गानामृते, कृष्ण कथा से ही बढ़ सकता है। तो कृष्ण कथा गाते लोगों को आनंद देते और केवल्य निस्तारको। अब ये आनंद की बात में, आपको कौवा अच्छा लगता है कि कोयल, मुझे बताइए। सीधा सीधा तुरंत मेरे प्रश्न से कंप्लीट होने से पहले ही बोल देगा बंदा, मुझे कोयल अच्छी लगती है। क्यों? कोयल ने कभी हमको कुछ दिया या फिर कौवे ने कभी भी हमसे कुछ मांगा कि चलो हफ्ता वसूल करने आया हूं, चलो निकालो, जेब खाली करो? दुनिया वालों को कोयल ने न तो कभी कुछ दिया न कौवे ने हमसे कुछ लिया, फिर भी पूछा जाए तो कोयल ही हमें भाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोलती है। ठीक उसी प्रकार जो अच्छा बोलता है, और अच्छे में अच्छा तो भागवत है ना, जो भागवत गाता है, भागवत बोलता है, उसी से जीव को आनंद मिलता है। और इसीलिए भागवत गाने वाला, भागवत देने वाला इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी माना गया है। सबसे बड़ा दानी जो भागवत प्रदान करता है। और इस प्रकार करते हुए गोविंद को गाकर लोगों के आनंद को बढ़ाते हैं और केवल्य निस्तारको, और लोगों का उद्धार करते हैं। केवल्य माने मुक्ति, और निस्तारको मुक्ति को भी मुक्त करने वाले थे ये षड गोस्वामी गण, साक्षात मुक्ति को भी मुक्त कर दे, ऐसे षड गोस्वामी को वंदे, मैं वंदन करता हूं। रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्रीजीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो इस प्रकार से षड गोस्वामी अष्टकम का ये तीसरा श्लोक है, आने वाले दिनों में और हम लेंगे। आइए, सनातन गोस्वामी पहुंचे हैं वाराणसी, काशी में, और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, राज कारोबार, धन संपत्ति, ये सब कुछ छोड़कर, इवन सनातन गोस्वामी के साथ उनका सेवक था ईशान, वो भी पैसे के चक्कर में था तो उनको भी छोड़ दिया, भाई तू भी निकल, मैं अकेला चला जाऊंगा। सनातन गोस्वामी को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु काशी में है, वाराणसी में है, पहुंच गए वाराणसी। वाराणसी पहुंचकर सनातन गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर पर है। आप कभी काशी जाओगे ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब काशी जाते थे तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुकते थे। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पर महाप्रभु है, सनातन गोस्वामी को पता चला तो सीधे चले गए। महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर पर बैठे हैं और सनातन गोस्वामी वो अंदर नहीं आए, वो बाहर बैठे कि महाप्रभु जब बाहर निकलेंगे तो मैं मिल लूंगा, नम्रता थी।
महाप्रभु को पता चल गया, चंद्रशेखर जिसके घर पर थे, बोले चंद्रशेखर जाओ जरा बाहर, मेरा भगत बैठा है, उसे अंदर लेकर आओ। चंद्रशेखर बाहर गए और अंदर आकर कहा, महाप्रभु बाहर तो कोई भगत नहीं है। अरे भाई जाओ बाहर, भगत बैठा है, उसे लेकर आओ। बोले बाहर भगत नहीं है लेकिन एक मुल्ला जी बैठे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है। वो मुल्ला जी नहीं थे, वो साकर मल्लिक, वो सनातन गोस्वामी थे, बहुत दूर से आए थे। बोले वो मुल्ला जी नहीं, वही मेरे भगत हैं सनातन गोस्वामी, उसे अंदर लेकर आओ। जब चंद्रशेखर आचार्य ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आपको प्रभु ने बुलाया है, बोले नहीं मैं दूर से ही दर्शन करूंगा। जब सनातन गोस्वामी अंदर नहीं आए तो चैतन्य महाप्रभु बाहर गए, सनातन गोस्वामी को गले लगने गए तो रूप गोस्वामी की तरह वे भी दूर भागने लगे। आप हमें मत स्पर्श कीजिए, हम बड़े पापी हैं, हम यवन हैं, यवन के वहां हमने बहुत गलत कर्म किए हैं, आप हमें स्पर्श मत कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सबसे पहले तो उनको शेविंग करवाया। महाप्रभु ने अपने भगत का शेविंग कराया, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो सब छोड़ छाड़ कर आए थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो किसी नाई को बुलाया होगा और सब दाढ़ी वाढ़ी मूछ बूछ और बाल मुंडन और बिल्कुल चकाचक एक साधु, पवित्र साधु का वेश, वैष्णव का वेश। फिर फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक धोती उठाई, उसके दो टुकड़े किए, सनातन गोस्वामी को पहनाया और दूसरा ऊपरी वस्त्र के रूप में उन्होंने धारण किया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन अब यहां तो मैं चंद्रशेखर आचार्य के घर पर आया हूं, कल गंगा के तट पर तुम मुझे मिलना, मुझे तुम्हारा काम है। सनातन गोस्वामी को यह अच्छा लगा कि भाई कल हम एकांत में मिलेंगे। अब दूसरे दिन गंगा में स्नान किए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठे हैं। आइए चैतन्य चरितामृत का थोड़ा सा आस्वादन करते हुए हम चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का संवाद, बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, देन्य विनंती करे दंते तृण लैया, नीच जाति नीच संगी पतित यधम कुविषय कूपी पड़े गोलाई नु जना। अपने गुरु से मिलकर एक शिष्य को क्या बोलना चाहिए सीखो यहां से। जब हम हमारे आश्रय से मिलते हैं, हमारे गुरुजनों से मिलते हैं, तो किस मूड में किस भाव में मिलना चाहिए, इन आचार्यों ने हमें सिखाया। ये तो कभी कभी हम गुरुजी से मिलते हैं, बेचारे गुरु तो चुपचाप बैठना पड़ता है, हम ही अपना ही बोलते रहते हैं, गुरुजी हम मजे में ये खाते पीते ये करते वो करते। धन्य है सनातन, अद्भुत। मुझे सनातन और चैतन्य महाप्रभु के मिलन में वैसे 2 महीने तक ये सब चला, लेकिन ये जो प्रारंभिक बात, जो ओपनिंग जो है ना सनातन गोस्वामी का, अद्भुत। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि सनातन गोस्वामी के इस 2-3 श्लोक में आपको दिखाऊंगा, इस 2-3 श्लोक के कारण ही रूप गोस्वामी को तो केवल 10 दिन, ठीक है, प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन दिए, लेकिन सनातन गोस्वामी को 2 महीना लगातार शिक्षा प्रदान की, जिसे सनातन शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी? तबे सनातन प्रभु चरण धरिया, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठे हैं और दैन्य दीनहीन होकर दांतों में तीर्ण रखकर, मने विनम्र भाव से विनंती करने लगे।
क्या विनंती करते हैं? नीच जाति नीच संगी पतित अधम। प्रभु में नीच जाति का, अब इसकी जाति नीच है, सारस्वत ब्राह्मण अमर और संतोष कुमार देव के पुत्र थे ये, ये कोई साधारण बाप के बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने आप को गुरुजी के सामने कहते हैं कि नीच जाति, मैं नीच जाति का हूं, नीच संगी, मेरा संग मेरा एसोसिएशन बहुत नीचा है, और पतित अधम, मैं पतित हूं अधम हूं, और कुविषय कूपे पड़ी गोलाइनु जन्म, और मैं गलत गलत विषय भोगों में पड़कर मैंने तो मेरा जन्म बिगाड़ दिया, मेरा ये मनुष्य जीवन बिगड़ चुका है प्रभु। सच कहूं, आगे कहते हैं, नीचे श्लोक बदल रहा है, आप नार हिता हित किछु ही ना जानी। प्रभु मैं मेरा हित कैसे होगा मैं ही नहीं जानता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में होनी चाहिए। वास्तव में हमारा हित किस में है वो हम लोग ही नहीं जानते हैं। हम दुनिया में क्या मेहनत क्या प्रयास करेंगे, कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं ये हासिल करूंगा, मेरा ये गोल है, ये है, ये है, लेकिन क्या ये सब करने से हमारा हित हो जाएगा? सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप नार हिता हित किछु ही ना जानी, ग्राम्य व्यवहार है पंडित। मैं ग्राम्य व्यवहार मतलब समाज में लोगों के साथ उठने बैठने में तो मैं एक्सपर्ट हूं, भौतिक क्रियाकलाप करने में तो मैं एक्सपर्ट हूं, ग्राम्य व्यवहार है पंडित, लेकिन तही सत्य मानी, लेकिन परम सत्य के विषय में कुछ नहीं जानता। कृपा करी यदि मोरे करी याच उद्धार, हे चैतन्य महाप्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए, और मेरा उद्धार करने के लिए आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार। मेरा कर्तव्य क्या है प्रभु, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके आप। बहुत सुंदर, वेदों की ऋचा जो है ना सनातन के मुख से प्रकट हो रही है, वेद इस साधु के मुख से निकल रहा है। कहते हैं के आमी के ने आमाए जारता पत्र इहा नाही जानी के म ने ही तह साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी कृपा करी सब तत्व कहत यापनी। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं, वैसे हमारा जन्म तो एक भक्त परिवार में हुआ और बचपन से ही हरि नाम भक्ति सब कुछ चल रहा था, लेकिन होता है ना भक्त परिवार में जन्म लेकर भी स्वतः कुछ प्रेम कुछ भक्ति कुछ शास्त्र का अध्ययन ये क्लिक नहीं हो रहा था। तो हमारे जीवन में हमारे हृदय को सबसे पहली बात जो टच कर गई वो ये थी भक्तों, ये जो प्रथम लाइन है ना वो हमारा होश उड़ा दिया। वो क्या लाइन है? के आमी, सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मुझे ये कहिए कि के आमी मैं कौन हूं। ले क्या ये इतना मूर्ख है कि ये जानते नहीं मैं कौन हूं? भाई तुम सनातन हो, साकर मल्लिक हो, संतोष हो, अमर हो, कुमारदेव ब्राह्मण के पुत्र हो। नहीं नहीं प्रभु ये तो मेरी टेम्पररी पहचान है, ये जीवात्मा कहां से आया, ये कौन है, के आमी कृपया करके मुझे बताइए। और केने आमाए जार तापत्रई, आज मैं 50 साल का हुआ, मानो सनातन गोस्वामी कहे एक दिन भी ऐसा नहीं गया
कि मैंने सुखी होने के लिए या दुख को दूर करने के लिए मेहनत न की हो। रोज सुबह सूर्य उगते ही दुख दूर करो और सुखी होने के लिए मैं रात दिन मेहनत किया, लेकिन आज तक मैं सुखी क्यों नहीं हो पाया? एक तो मैं कौन हूं, हुए माई, और केने आमार जार त्रापत रही, वाई एम आई सफरिंग, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मेरे जीवन की प्रत्येक चेष्टा सुखी होने की है, लेकिन फिर भी सुख क्यों नहीं आ रहा? मैं कहां से आया हूं? क्योंकि आज तो मैं यहां रहता हूं, लेकिन मेरे जन्म से पहले मैं कहां था, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है? क्या खाना पीना सोना बस यही जीवन है? ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन कर दिया, दास का ऐसा मानना है, मेरा यह निवेदन है, जब तक कोई आदमी इस प्लेटफॉर्म पर न आ जाए तब तक ये गीता भागवत उसके कुछ काम के ही नहीं है, उसका अध्यात्म जीवन प्रारंभ हुआ ही नहीं है। इवन मनुष्य जीवन की शुरुआत या अध्यात्म की शुरुआत यहां से होती है कि भाई मैं कौन हूं, मुझे ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मैं कहां से आया और मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, और इहा नाही जानी आमी केमने हित है, और मेरा हित कैसे होगा? साध्य साधन ये जीवन क्या करने के लिए मिला है? खाओ पियो सो बस, दैट्स इट। साध्य क्या है, साधन क्या है? अच्छा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब हम क्या हासिल करने के लिए? कुछ लोग कहेंगे हम बहुत पैसे हासिल करेंगे, तो जिसको बहुत पैसे हासिल हो गए क्या वो सुखी है? आखिर हमारा साध्य क्या है, उस साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? इस दुनिया को हम देखते हैं, तत्व क्या है? प्रभु सच कहूं तो पूछी ते ना जाने, मुझे तो ये सब पूछने को भी नहीं आ रहा। सनातन गोस्वामी की नम्रता देखिए, हम तो प्रश्न पूछते हैं फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से पूछते हैं कि इसका क्या, आई हैव वन क्वेश्चन, उंगली दिखा दिखा कर है? लेकिन धन्य है सनातन गोस्वामी कि ये सब है, लेकिन आप नार हिता हित किछु ही ना, मैं तो पूछना भी नहीं जानता प्रभु, पूछी ते न जानी। लेकिन आप तो दयालु हो ना, आप तो कृपालु हो ना, कृपा करी सब तत्व कहत आपने, आप मुझ पर कृपा कीजिए और सारे तत्व बताइए। ठीक है, सनातन गोस्वामी ने काशी में वाराणसी में गंगा के तट पर बैठकर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को कहा, तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं सुनिए। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण हय, सब तत्व जान तो मार नाही तापत्रय, कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, जानी दाढ़े लागी पूछे साधुर स्वभाव। प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि सनातन कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, सनातन तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूर्ण कृपा है, तुम ऐसा मत कहो। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूर्ण, क्योंकि तुम ये जो पूछ रहे हो ना, संसार का आदमी जब इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है तो समझो कृष्ण की कृपा हो चुकी है। बाकी तो शेयर बाजार का कौन सा शेयर खरीदूं, इन्वेस्टमेंट कहां करूं, ये करूं, वही जिज्ञासा होती है। लेकिन जिस दिन तत्व जिज्ञासा होने लगे,
आत्म जिज्ञासा होने लगे, समझो कृष्ण की कृपा हो रही है। सो प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, आप पर पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा है। सब तत्व जान तुमार नाही तापत रही, तुम सनातन क्या मैं नहीं जानता, तुम सभी तत्व को जानते हो, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे जीवन में दुख कहाँ, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हो। बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव का ये प्रिय दूसरा श्लोक, कृष्ण शक्ति धर तुमी, सनातन तुम्हारे अंदर तो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति तुमने धारण करके रखी है। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, और तुम सारे तत्व को और भाव को जानते हो, फिर भी तुम ये पूछते हो, कारण यही है, जानी दाढ़े लागी पूछे साधुर स्वभाव। कारण तुम सब कुछ जानते हो फिर भी तुम पूछ रहे हो, कारण यही है कि साधु का स्वभाव होता है कि दाढ़ में कोई वस्तु आ जाए ना तो उसे खाने का मन, मतलब थोड़ी सी चीज मिल जाए तो उसे और ज्यादा प्राप्त करने का मन होता है। जैसे इस दुनिया में किसी को थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो सोचते हैं और ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए तो और लोभ होता है, वैसे साधुओं को क्या लोभ होता है, थोड़ी कथा मिल जाए और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले और ज्यादा, साधु का स्वभाव। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने निवेदन किया और फिर तो चैतन्य महाप्रभु सुनाना प्रारंभ कर दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को मुक्ति का उपाय बताया, कृष्ण तत्व अद्वैत ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के अवतार कितने प्रकार के अवतार होते हैं, अनेक अनेक बातें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताई। और ये बताते 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 भक्तों 2 महीने बीत गए और 2 महीने के बाद जब सारा ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी में भर दिया तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बस सनातन अब तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है इस ज्ञान के आधारित ग्रंथ लिखो और साथ ही साथ पुराणों के वेद और शास्त्रों के आधारित होकर ब्रज वृंदावन में कृष्ण लीला भूमि को उजागर करो, क्योंकि कृष्ण लीला करके चले गए, 5000 वर्ष बीत गए, आने वाला इतिहास कृष्ण लीला भूमि में जाकर अपनी भक्ति का वर्धन करे, इसलिए कृष्ण लीला भूमि को तुम उजागर करो। उसी प्रकार कहते हैं सनातन गोस्वामी को जाना तो नहीं था, सनातन गोस्वामी की इच्छा तो नहीं थी कि मैं वृंदावन जाऊं चैतन्य महाप्रभु को छोड़ूं, लेकिन कल आपने सुना ना कि अपनी इच्छा से भी श्रेष्ठ गुरु की आज्ञा होती है। सो अपने इच्छा को मार कर, अपने मन को मार कर श्री सनातन गोस्वामी ब्रज वृंदावन की राह पकड़ लिए। श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, लगभग 1 महीना वृंदावन रहे, क्या करे, चैतन्य महाप्रभु की याद आ रही थी, सोचा महाप्रभु की आज्ञा है वृंदावन तो मैं रहूंगा, लेकिन रथ यात्रा का उत्सव है तो चलो ना मैं रथ यात्रा में भाग लेकर फिर वृंदावन आ जाऊं। तो वृंदावन 1 महीना रुके और फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी, सनातन गोस्वामी भी झारखंड के जंगलों से अनेक वन से पसार होकर जगन्नाथपुरी पहुंचे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, झारखंड जंगल की दूषित वायु, दूषित जल,
इत्यादि के कारण सनातन गोस्वामी के शरीर में एक रोग हो गया और ऐसा रोग कि उनके शरीर से खून पस निकलने लगा। जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते तो उनकी हालत खराब हो गई। अब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी तो आए हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं महाप्रभु को मिलूंगा तो महाप्रभु मुझे गले मिलेंगे और मेरे शरीर में जो खून और पस निकल रहा है वो महाप्रभु को स्पर्श होगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी महाप्रभु के सामने नहीं जाते थे, वो जगन्नाथपुरी से थोड़े दूर हरिदास ठाकुर के साथ रहने लगे। सनातन गोस्वामी एक दिन कोने में बैठे थे और चैतन्य महाप्रभु खोज कर कि भाई सनातन आया है और मुझे मिला नहीं है, सनातन मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तो उनके पास जा सकता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर सनातन गोस्वामी के पास आए। शरीर में रोग था, खून पस निकल रहा था, महाप्रभु गले मिलने गए, सनातन गोस्वामी दूर भागे, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। एक दिन हमारे आचार्यों की नम्रता, आप भाव देखो, एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए बुलाया और उस समय ज्येष्ठ महीना चल रहा था। जगन्नाथपुरी में आप जेठ महीने में जाइए, तप्त गर्मी होती है, सूर्य पूर्ण तप्त होता है। उस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में सनातन गोस्वामी सीधे भोजन करने नहीं गए, वो समुद्र के मार्ग, समुद्र के तट की बिल्कुल गरम गरम बालू के ऊपर अपना पांव रखकर, उनके पांव में फरफोले हो गए, पांव में छाले हो गए, और महाप्रभु सनातन गोस्वामी लॉन्ग कट लेकर, दूर भले था लेकिन समंदर के तट से होकर महाप्रभु के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम सीधा सीधा आ गए हो तो दो मिनट में पहुंच जाते, तुम पूरा घूमकर क्यों आए? सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रभु मैं सीधा आता हूं तो बीच में जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार पड़ता है और सिंह द्वार पर वैष्णव का बहुत आना जाना होता है और मेरे शरीर में रोग है, कहीं किसी वैष्णव से मेरा स्पर्श हो गया तो ये खून पस, किसी वैष्णव को स्पर्श करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पूरा जगन्नाथपुरी घूमकर यहां पर आया हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों में आंसू आ गए, सभी भक्तों के आंखों में आंसू आ गए कि इतनी नम्रता, किसी वैष्णव का ध्यान रखने में इतनी है? महाप्रभु से रहा नहीं गया। सनातन गोस्वामी कहते, मुझे स्पर्श मत करना, महाप्रभु आज तो जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए। बीच में एक कथा छूट गई। फिर रथ यात्रा जब प्रारंभ हुई ना, तो रथ जब चलने लगा तो सनातन गोस्वामी दूर दूर चल रहे थे क्योंकि शरीर में रोग था। सनातन गोस्वामी के मन में अफसोस हुआ, ये क्या जिंदगी कि मैं किसी वैष्णव से गले नहीं मिल सकता, किसी के निकट नहीं जा सकता, मेरे शरीर में इतना रोग है, मैं महाप्रभु से नहीं मिल सकता, ऐसा बदतर जीवन जीने से तो अच्छा है मैं रथ यात्रा के चक्के के नीचे मेरा प्राण त्याग दूं। सनातन गोस्वामी के मन में और प्राण त्यागने की तैयारी, लेकिन भक्त का भाव भगवान तो समझ जाते हैं। तुरंत चैतन्य महाप्रभु सनातन के पीछे आए, बोले, सनातन सुसाइड का सोच रहे हो? सनातन गोस्वामी सोचा कि यार मेरे मन की बात महाप्रभु को कैसे पता चल गई। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई, सनातन स्वप्न में भी आत्महत्या करने की मत सोचना। क्यों? क्योंकि सनातन ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, ये मेरा शरीर है। आप विचार करो भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसको अपना शरीर कहा वो सनातन गोस्वामी की कितनी गरिमा होगी। सनातन ये तुम्हारा शरीर नहीं, ये मेरा शरीर, मुझे कुछ काम करना है इसलिए ये तुम्हारा शरीर मेरा साधन है, मुझे इस शरीर से बहुत काम करवाना है। और याद करो, तुमने मुझसे दीक्षा ले रखी है। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। सनातन दीक्षा के समय ही तुमने अपना शरीर मुझे दे दिया है,
अब इस शरीर पर मेरा अधिकार है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि जगन्नाथ जी के रथ के नीचे मैं आत्महत्या कर लूं? नहीं। फिर तो श्री चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को गले मिले और महाप्रभु का दिव्य देह जैसे ही सनातन के गले मिले, सनातन गोस्वामी के शरीर में जो रोग था वो रोग तुरंत ही मिट गया और बिल्कुल क्लीन और सुवर्णमय, ऐसा लिखा है इतिहास में, स्वर्णमय सोने जैसा सुंदर शरीर श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी का हो गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन, अब रथ यात्रा समाप्त हो गई, तुम्हारा यहाँ आना सब उद्देश्य कंप्लीट हो गया, अब चलो वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर मेरी जो आज्ञा है ग्रंथ लिखो और ब्रज भूमि को प्रकट करो, वहाँ की सारी लीला स्थलियों को प्रकट करो और मैं जिन जिन लोगों को भेजता हूं उनको आश्रय दो, उनको भजन साधन सिखाओ। श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में, अब दोनों भाई रूप और सनातन दोनों वृंदावन में। आप देखो भक्तों, इन आचार्यों ने क्या मेहनत की है। हम तो बस टिकट लेकर वृंदावन चले जाते हैं, बाकी बिहारी ये दर्शन वो दर्शन करके आ जाते हैं, उसके पीछे इन आचार्यों का समर्पण देखो। अपना राज पाट धन संपत्ति सुख सब कुछ छोड़ छाड़ कर रूप सनातन दोनों ब्रज में रहते थे और खाते क्या था, 5 दिन में एक बार शुष्क रोटी चना चबाए, रोटी मिली तो मिली, नहीं तो छाछ पीकर अपना दिन बिता लेते। और दिन भर क्या करते, वराह पुराण को अपने हाथों में रखते, क्योंकि ये भगवान वराह देव ने पृथ्वी देवी को कौन सा तीर्थ कहां पर है ये सब वर्णन वराह पुराण में है। तो दोनों भाई ये पोथी अपने हाथों में रखते और पढ़ते और खोजते कि भाई किस एंगल में कृष्ण जन्मभूमि है, किस एंगल में उखल बंधन महावन, ये वन वो वन, बहुत मेहनत करते। और उस समय उनके पास कोई गैजेट कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता और पुराण के अनुसार बोले यहां पर कृष्ण उखल से बांधा गया था तो वहां पर कोई अपनी निशानी रख देते कि ये निशानी उखल बंधन, फिर आगे चलते ये नंद भवन, ये इस प्रकार से ये खोजते थे। रात दिन मेहनत करके ये ब्रज की लीला भूमि को, अब आप विचार कीजिए, हम ब्रज जाते हैं, ब्रज में विचरण करते हैं, लेकिन जब तक ये रूप सनातन इन आचार्यों का स्मरण न किया जाए, इनकी कृपा न ली जाए, तब तक ब्रज ब्रज अधूरा है, क्योंकि इन्होंने ही ब्रज भूमि को प्रकट किया है। ब्रज में रहते हुए एक दिन की बात, महावन में सनातन गोस्वामी विचरण कर रहे थे और कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते सनातन गोस्वामी ने एक लड़के को देखा, बिल्कुल कृष्ण जैसा, श्याम वर्ण का शरीर, सुंदर स्वरूप, पीतांबर धारण किया हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। और इन्होंने ग्रंथ तो पढ़े हैं, शास्त्र तो पढ़े हैं, बोले ग्रंथों में शास्त्रों में जैसा कृष्ण का वर्णन है ये वैसा ही निश्चित ये कृष्ण है। और सनातन गोस्वामी को क्लिक हो गई और उस बालक के पीछे पीछे दौड़े, बालक आगे आगे, सनातन गोस्वामी पीछे पीछे, दौड़ते 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 बालक एक गुफा में चला गया, सनातन गोस्वामी खोजते रह गए। अब भगवान को पकड़ना आसान थोड़ी ना है, बड़ा मुश्किल है। उस गुफा में जाकर देखे तो बालक ही नहीं था, सनातन निश्चित समझ गए कि भगवान आए थे चले गए। अब तो सनातन गोस्वामी की विह्वलता बढ़ी कि कहाँ चले गए, कैसे चले गए। उस कृष्ण के विरह में सनातन गोस्वामी रोने लगे, रोते रोते उनको नींद आ गई और रात को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया, वही बालक सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आ गया। सनातन में और कोई नहीं, मैं मदन गोपाल हूं। बोले मदन गोपाल कौन? बोले सतयुग में महाराज अम्बरीश का नाम सुना? बोले हाँ, भागवत के नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा है। देखो ये कनेक्ट होता है भागवत से। अम्बरीश महाराज पूरी धरती के राजा सप्तद्वीपवती महिम, और वो दुर्वासा के साथ जो प्रसंग है ना एकादशी व्रत, तो उन्होंने एकादशी व्रत वृंदावन में मथुरा में आकर किया था। तो अम्बरीश महाराज ने
को मेरी प्रतिमा मूर्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने नाम रखा था मदन गोपाल। और अम्बरीश महाराज के जाने के बाद सतयुग में अम्बरीश चले गए तो त्रेता युग में इंद्र ने मेरी पूजा की, इंद्र के बाद राम जी ने पूजा की, सीता जी ने पूजा की, और फिर राम जी लवणासुर को वध करने के लिए शत्रुघ्न जी को ब्रज में भेजे तो मेरे विग्रह को लेकर शत्रुघ्न जी ब्रज में आ गए और मथुरा में विविध राजा महाराजाओं ने मेरी पूजा की। और फिर एक दिन अद्वैत आचार्य आए और आदित्य टीला से मुझे यहां से प्रकट किया। अद्वैत आचार्य को मेरी मूर्ति मेरा विग्रह मिला और जब उनको नवद्वीप मायापुर जाना था तो अद्वैत आचार्य मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी को मेरा विग्रह प्रदान कर दिए और वे चले गए। तो मैं मथुरा में चौबे जी के घर पर हूँ और सनातन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी सेवा लेना चाहता हूँ। और परशुराम चतुर्वेदी के घर पर, चौबे जी के घर पर मैं रहता हूँ। अब परशुराम चौबे की पत्नी, परशुराम जी की तो मृत्यु हो गई थी लेकिन चौबे जी की पत्नी उनकी सेवा करती थी और उनके घर पर दो बच्चे थे, एक मदन गोपाल को अपना बेटा मानती ये विग्रह और दूसरा अपना बेटा था। और इतना भाव था दोनों बच्चे के प्रति, मतलब एक अपना बेटा और एक मदन गोपाल, कृष्ण को ही अपना बेटा मानती थी। तो जैसे एक माँ के दो बेटे हो और दोनों को कैसे भोजन खिलाती हैं, गोद में बिठा कर खिलाती हैं पिलाती हैं, वैसे रोज उनकी सेवा करती। और सनातन को जब ये स्वप्न आया तो दूसरे ही दिन मधुकरी करने के लिए सनातन गोस्वामी मथुरा चले गए। चौबे जी की पत्नी के घर पर गए, बोले माँ भिक्षान देही। अब माता जी भिक्षा लेकर आए तब तक इन्होंने ऐसे घर में जाकर देखा तो दो बच्चे खेल रहे हैं, एक मदन गोपाल का विग्रह है और एक उनका बेटा है चौबे जी का, वो दोनों खेल रहे थे। लेकिन इन्होंने देखा कि वो जो मैया थी वो जूठा भोजन अपने वो बेटे को भी खिला रही थी, मदन गोपाल को भी खिला रही थी। सनातन गोस्वामी के मन में हुआ कि साक्षात भगवान मेरे स्वप्न में आए और ये साक्षात भगवान के विग्रह है और कोई विधि विधान का पालन न करके इस प्रकार से सेवा। सनातन गोस्वामी ने उपदेश दिया, देखो नारद पंचरात्रक विधि के अनुसार थोड़े स्पृष्टता का भाव रखकर थोड़ी पवित्रता से सेवा करो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने ज्ञान दिया और माता जी के मन में हुआ कि हाँ भाई ध्यान रखना चाहिए। दूसरे दिन से वो जो अपने बेटे की तरह ठाकुर जी को रखती थी उसको मंदिर में रख दिया और ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च करके भोजन खिलाने लगी। मदन गोपाल ने माता जी को कहा, माता जी ये क्या शुरू कर दिया, मुझे ये जो ये फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लग रही है, तुम अपने बेटे की तरह जो मुझे भोजन खिला पिला रही थी वही मुझे अच्छा लग रहा है। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तू अपने बेटे को बेटा मानती हो और मुझे मंदिर में खड़ा कर दिया स्टेच्यू के रूप में, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं भी तो आपका बेटा हूं, तो बेटे की तरह मुझे रखो, बेटे की तरह मुझे खिलाओ। माता जी सेवा करने लगी। सेवा करते करते दिन महीने बहुत साल बीते, बूढ़ी हो गई और सनातन गोस्वामी रोज भिक्षा करने उनके घर पर जाते और जो भिक्षा करने जाते तो मदन गोपाल जी को ही देखते रहते। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि देखो भाई हमसे सेवा नहीं हो रही है, आप एक काम करो मदन गोपाल को आप लेकर जाओ। अब सनातन के मन में तो था ही कि मदन गोपाल की मैं सेवा करूं। मदन गोपाल जी को लेकर आए। इतिहास में वर्णन है माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और 1590 विक्रम संवत 1590 में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आदित्य तिला के ऊपर दो तीन पत्थर रखकर सनातन गोस्वामी ने मदन गोपाल को वहां पर स्थित कर दिया और सनातन गोस्वामी अब मदन गोपाल की सेवा करने लगे। अब सेवा तो क्या थी, ज्यादा खास सेवा नहीं, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा थी कि भाई तुम ग्रंथ लिखो,
तो दिन भर ग्रंथ लिखने में और ठाकुर जी की लीला स्थलियों को खोजने में चला जाता था। तो मदन गोपाल की सेवा में तो केवल इतना ही था कि सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे। मधुकरी जानते हैं? मधु माने भवरा। भवरा क्या होता है? बहुत सारे फूलों से रस लेता है। मधुकरी का अर्थ भी समझने लायक है। भवरा जो होता है ना, किसी एक ही फूल को निचोड़ नहीं देता। फिर वो फूल लायक नहीं न बचे। थोड़ा थोड़ा इस फूल से थोड़ा रस लिया, इस फूल से रस, यहाँ 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 सभी फूलों से रस लेता है। तो ये मधुकरी माने किसी एक ही यजमान को निचोड़ देना। बस एक यजमान है तो बस उसी का बैंक बैलेंस ही बिगाड़ देना, उसी का कुछ, फिर वो कैसे जिएगा मरेगा। मधुकरी माने में थोड़ा थोड़ा, भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा सेवा करो तो सब बैलेंस रहेगा, इसे मधुकरी कहते हैं। ये आचार्यों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इवन मैनेजमेंट वालों को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने लायक है। सो मधुकरी होनी चाहिए ताकि किसी को बर्डन ना हो, किसी को एक ही आदमी पर सारा बोझा ना आ जाए, भक्तों से थोड़ी थोड़ी सेवा करके। तो सनातन गोस्वामी तीन लोगों के घर पर मधुकरी करते थे। जो भी मिल जाता मदन गोपाल जी को भोजन मिलता, क्या सूखी रोटी मिलती थी। अब क्या हुआ, मदन गोपाल बात करते थे। ठाकुर जी यदि श्रद्धा हो तो घर के विग्रह बात करते हैं। मदन गोपाल जी ने कहा कि सनातन, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये सूखी सूखी रोटी लगा रहे हो, कम से कम रोटी के साथ नमक तो दे दो। सनातन ने कहा कि लो अब ये नई सेवा, वहां से गुरु जी ने भेजा ग्रंथ लिखो, ये कम था, ये कृष्ण की लीलाओं को खोजना कम था, नमक जुटाओ। ठीक है ठाकुर जी, कल नमक जुटाएंगे। मधुकरी करने गए तो अब सनातन गोस्वामी ने डिमांड की, भाई माता जी रोटी के साथ थोड़ा नमक भी दे दिए, नमक लेकर आए। अब मदन गोपाल जी को रोटी के साथ नमक का भोग लगाने लगे। दो पांच दिन तो मदन गोपाल ने खाया रोटी और नमक। फिर मदन गोपाल प्रकट हुए, बोले सनातन भैया क्या, बोले नमक के साथ थोड़ा मिर्च और थोड़ा घी भी, रोटी पर घी लगा दो, क्योंकि क्या है ना, नमक रोटी खाता हूं तो गले से नीचे नहीं जाती है, थोड़ा घी होगा ना, थोड़ा घी होगा तो ऑयली गला हो जाएगा तो नीचे उतरेगी। सनातन गोस्वामी का बस, आज रोटी, आज घी मांग रहे हो, कल पूड़ी पौवा मांगोगे, कल भोजन मांगोगे, हमने वैराग्य लिया है आपके लिए, ये सब जुटाने के लिए कि और कुछ काम करने के लिए। तो और देखो आप भगवान हो और मैं गुरु जी के काम में व्यस्त हूं। देखो यहां पर सिद्धांत है कि भगवान की आज्ञा है कि घी लगाओ ये लगाओ, लेकिन गुरु की आज्ञा है ग्रंथ लिखो लीला भूमि प्रकट करो। इस परिस्थिति में सनातन गोस्वामी ने भगवान की बात नहीं मानी, अपने गुरु की बात मानी, चैतन्य महाप्रभु की बात मानी। बोले रोटी सब्जी आप जुटाओ। तो मदन गोपाल ने कहा तो ठीक है, तो मैं अपने से व्यवस्था कर सकता हूं। बोले हाँ आप यजमान चेता लो। हमारे साधु समाज में एक शब्द है यजमान चेताना। बोले आप ही यजमान को चेता लो, आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप ही यजमान के दिल में कुछ खलबली मचाकर कुछ अपना सेटिंग कर लो। बहुत साल पहले सुनी हुई एक बात याद आ रही है, मैं आपको बताऊं। एक बार एक पंडित जी थे, भागवत कथा बाजते थे, लॉकडाउन चल रहा था तो अब कथाएं तो सब बंद हो गई। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो भाई दुनिया के लोग कथा नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी तो सुनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राम जी को यजमान बना लिया, राम और सीता को यजमान बनाया और राम जी के मंदिर में बैठकर कथा गाना शुरू किए और पंडित जी ने कथा प्रारंभ की। राम सीता लक्ष्मण जी बड़े भाव से कथा सुनने लगे। 9 दिन की कथा थी, पांचवें दिन राम जी सीता जी और हनुमान जी ने मीटिंग की कि बोले बंदा कथा तो अच्छी गा रहा है, चलो ऑनलाइन भी सही अमृत चर्चा में लॉकडाउन में, लेकिन बंदा गा अच्छी रहा है। सीता क्या लगता है इसको कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? अरे दक्षिणा तो देनी चाहिए क्योंकि बेचारा मेहनत कर रहा है और इनका जीवन तो, और ग्रंथ पढ़कर शास्त्र बोलता है इसको कुछ तो।
तो राम लक्ष्मण सीता ने थोड़ा डिस्कशन किया और अंत में निर्णय लिया, एक काम करते, 1000 रुपया दक्षिणा देते हैं। 1000 कैसे देंगे? बोले हनुमान सब कर देगा। हनुमान को बुलाए, हनुमान ये पंडित जी जो कथा गा रहे हैं ना, हमको बड़े आनंद आ रहा है, इसको कथा के बाद 1000 रुपया दक्षिणा में दे देना। तो बोले ठीक है प्रभु, आप चिंता मत करो, आप कथा सुनो। अब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी। अब कथा तो राम जी को सुना रहे थे, लेकिन फिर भी गांव वाले लोग थोड़ा बहुत आ रहे थे, तो 1 रुपया 50 पैसा, 1 आना 2 आना ऐसे डाल डाल के रोज लोग जाते थे। और क्या हुआ, जब इस प्रकार से राम लक्ष्मण और सीता जी की जो मीटिंग हो रही थी और ये तीनों चर्चा कर रहे थे कि भाई इसको 1000 रुपया डोनेशन देना है, उसी समय उस गांव का एक साहूकार वहां पर आया और भगवान की जो ये बातचीत हो रही थी उसको सुन लिया कि पंडित जी को 1000 रुपया दक्षिणा मिलने वाली है। और पंडित जी को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो कथा गाए जा रहे हैं। वो साहूकार ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी कैसा चल रहा है? बढ़िया। बोले एक काम करेंगे, आपको दक्षिणा कितनी नक्की हुई है? बोले भगवान को कथा सुना रहा हूं, उसमें क्या दक्षिणा। बोले तो एक काम करें, मैं आपको 500 रुपया दक्षिणा दूंगा, आपको जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मुझे दे दोगे? बोले हाँ। पंडित जी तो, वो साहूकार को तो पता था कि भगवान ने तय किया है 1000 रुपया, वो ये उस जमाने की बात है, 1000 रुपया मिलने वाला है तो उसमें 500 पंडित जी को दे दूंगा, अपने पास बिना मेहनत के 500 बचेंगे। बोले हाँ। अब जब 9 दिन समाप्त हुआ तो सब लोग आ रहे थे, पैसे डाल रहे थे, लेकिन 9वें दिन हनुमान जी ने जो सारे पैसे थे वो ले लिए और वो साहूकार वहां जाकर बैठा कि 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया भगवान देने वाले हैं। कथा समाप्त हो गई, पोथी बंद हो गई, जय जय श्री राधे हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने 1000 रुपया नहीं दिया। और साहूकार को आया क्रोध कि यार मेरा खाली फोकड़ का 500 चला गया, और हनुमान जी आगे बैठते ना, राम लक्ष्मण तो पीछे, हनुमान जी आगे बैठते हैं, इसको इतना दिमाग गया, जोर से लात मारी, तो जैसे ही लात मारी तो हनुमान जी ने उनका पांव पकड़ लिया, इतना कसकर पकड़ा, इतना कसकर पकड़ा कि पांव छोड़ा ही नहीं। तब राम जी ने हनुमान जी को कहा कि वो 1000 रुपया पंडित जी को देना था वो आपने दे दिया। हनुमान जी ने कहा 500 दे दिया है और 500 का इंतजाम हो रहा है। उसका जो पांव पकड़ा था साहूकार का, अरे छोड़ छोड़ छोड़, हनुमान जी ने कहा 500 दे तो छोड़ूंगा। चल पंडित जी को 500 दे तो मैं छोड़ूंगा। जेब से 500 रुपया निकाला, पंडित जी को दिया और साहूकार अपने घर पर, और भगवान जी ने पंडित जी को यजमान चेता कर 1000 रुपये का व्यवस्था कर दिया। तो भगवान स्वयं जानते हैं किस प्रकार से क्या करना। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो आपको करना है आप अपना कर लो। बोले मैं मेरा कर लूं, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 दिन के बाद काबुल से एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम था रामदास कपूर, जिसका नमक सोल्ट का बिजनेस था, काबुल में आज भी सेंधा नमक जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो सोल्ट का बिजनेस था, आगरा मंडी में उनको सोल्ट नमक बेचना था, तो काबुल से बहुत बड़ी नौका भरकर वो सोल्ट लेकर आ रहा था। और उस समय यमुना में इतना जल हुआ करता था कि बड़ी बड़ी नौका चलती थी, आज तो छोटी सी नौका भी चल नहीं पाएगी। तो अब क्या हुआ, रामदास कपूर काबुल से आए और जैसे ही ये टीला के पास पहुंचे उनकी नौका फंस गई। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नौका चली नहीं। और सोचे क्या होगा अब, तब मदन गोपाल जी रूप बदल कर उस रामदास कपूर के पास गए और कहा, कपूर सेठ तुम्हारी नौका निकल सकती है। बोले कैसे? बोले यमुना के तट पर एक साधु रहता है जिसका नाम है सनातन गोस्वामी,
और ठाकुर जी की सेवा करता है बेचारा, वो खुद ही ठाकुर जी है। बोले उनका आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले खूब दूंगा, लेकिन मुझे यहां मेरी नौका यहां से निकालो, मेरे हजारों का नुकसान हो जाएगा। रामदास कपूर आया सनातन गोस्वामी के चरणों में, महाराज मेरी नौका फंस गई है। सनातन गोस्वामी मन में सोच रहे, मैं जानता हूं किसने फंसाई है, लेकिन वो तो बोले नहीं, क्योंकि यजमान चेतना तो जानते हैं। बोले कल ही बात हुई थी भगवान से, उसी ने किया होगा मदन गोपाल की लीला। बोले महाराज मेरी नौका फंस गई है, आप आशीर्वाद दीजिए। और उसने देखा कि बगल में मदन गोपाल जी दो पत्थर यहां एक पत्थर ऊपर पत्थर में बेचारे बैठे हैं। बोले यदि मेरी नौका निकल गई तो मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा और इतना बैंक बैलेंस दे दूंगा कि रोज 56 भोग आप अपने ठाकुर जी को खिला सकते हो, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो मेरी नौका निकल जाए। सब मदन गोपाल की लीला थी। बोले ठीक है आशीर्वाद, तुम्हारी नौका निकलेगी, जाओ तुम वापस लौटो। जैसे ये वापस लौटे तुरंत नौका बाहर निकल गई, आगरा चले गए, अपना माल बेच दिए और सबसे पहले वृंदावन में आए। और वृंदावन में आकर उन्होंने भव्य इमारत भव्य मंदिर का निर्माण किया और उस भव्य मंदिर में मदन गोपाल जी को बिठाया गया। कहते हैं उस मदन गोपाल को बिठाकर फिर ऐसी व्यवस्था, रोज 56 भोग। सनातन गोस्वामी ने कहा आप तो बिल्कुल बड़े चालू निकले महाराज, हैं इतना अच्छा व्यवस्था आपने अपने लिए कर लिया, लेकिन मैं आपके ऐश्वर्य में नहीं रहूंगा, मुझे तो विरक्त वैरागी जीवन जीना है। अब मदन गोपाल जी ने कहा कि देखो अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, सनातन गोस्वामी अकेला अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ राधा रानी होनी चाहिए। तो देखो महाराज प्रताप रुद्र का एक बेटा है पुरुषोत्तम देव, और वो मेरे लिए राधा रानी का विग्रह भेजेगा, तुम जरा मेरे बाजू में पधरा देना। वहाँ पुरुषोत्तम देव को स्वप्न, भगवान सब कर लेते हैं, वहाँ पुरुषोत्तम देव को स्वप्न दिया। अब पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, बोले वृंदावन में दो मंदिर है, रूप गोस्वामी के गोविंद देव और सनातन गोस्वामी के मदन गोपाल। तो पुरुषोत्तम देव ने दो बहुत सुंदर राधा रानी का विग्रह बनाया, दोनों मतलब गोविंद जी थोड़े छोटे हैं तो एक छोटी राधा रानी, सॉरी गोविंद जी बड़े हैं तो बड़ी राधा रानी और मदन गोपाल के लिए छोटी राधा रानी। तो दो राधा रानी गोविंद और मदन गोपाल के लिए दो विग्रह बनाया और पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से भेजा वृंदावन। अब जब दो विग्रह आए तो फिर से मदन गोपाल ने सनातन गोस्वामी को स्वप्न दिया। मदन गोपाल सनातन बोले क्या है अब, बोले वो जो दो विग्रह आए हैं ना वो गोविंद देव के पास मत लेके जाना। बोले क्यों, दोनों राधा रानी, एक आपकी राधा रानी एक उनकी राधा रानी। बोले नहीं, जो छोटी है उसको मेरे बगल में खड़ा करना राधा रानी के रूप में, और जो बड़ी है वो ललिता सखी के रूप में खड़ी करना मेरी दूसरी बाजू, मुझे दोनों साइड से प्रोटेक्शन मतलब आनंद चाहिए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने वहां पर दो विग्रह को प्रस्थापित किया। विक्रम संवत 1748 में सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार से वहां दो विग्रह प्रस्थापित किया। इस प्रकार से बहुत सुंदर हमारे आचार्यों की लीला, साक्षात राधा रानी ने इनको दर्शन दिया। एक ऐसी लीला है कि राधा कुंड के तट पर बैठकर छोटे भाई रूप गोस्वामी चाटू पुष्पांजलि नामक ग्रंथ लिख रहे थे और उस ग्रंथ में वे बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। नव गौरोचना गौरी प्रवे रेंद्री वरांबरम मणि स्तवक विद्यार्थी वेणी व्याल अंग फणा। चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने ये पद लिखा। सनातन गोस्वामी गए, रूप क्या कर रहे हो, बोले ये ग्रंथ लिख रहा हूं जरा दिखाओ। तो उस ग्रंथ में लिखा था कि नव गौरोचना गौरी, राधा रानी नव गौरोचना जैसा उनका रंग है और बहुत सुंदर शरीर से कांति है, और राधा रानी के बालों की जो चोटी है वो नागिन की तरह है। वेणी व्याल अंग फणा, तो राधा रानी की जो चोटी नागिन मतलब नाग की तरह है, नागिन की तरह।
सनातन गोस्वामी ने कहा रूप बाकी सब ठीक है, लेकिन राधा के बाल की बेणी और उसको नागिन का उपमा देना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हो सके तो इसे निकाल दो। बोले कोई बात नहीं बड़े भैया, आप आपकी जैसी आज्ञा। ऐसा रूप गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया, वहां तो हमारी तरह तर्क वितर्क तो था नहीं। और सनातन गोस्वामी वहां से चलने लगे, चलने लगे तो राधा कुंड के तट पर देखा कि कुछ कुमारी का कुछ ब्रज की बेटियां कन्या खेल खेल रही थी, और उस बीच में एक बहुत सुंदर सी कन्या थी, और सनातन गोस्वामी ने दूर से देखा कि उस कन्या के पीछे कोई नागिन आ गई है। सनातन गोस्वामी दौड़ कर गए, लाली लाली तुम्हारे बालों में नागिन नागिन करके दौड़ के गए तो देखा नागिन नहीं थी, सुंदर सी चोटी थी, और वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी ने साक्षात राधा रानी का दर्शन किया और देखा कि राधा रानी की जो चोटी है नागिन की तरह है। तब सनातन गोस्वामी ने मन ही मन समझा कि रूप गोस्वामी ने कपोल कल्पना नहीं लिखी है, रूप ने भी इन लीलाओं को देख देख कर अपने ग्रंथ लिखे हैं। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बिरुद्ध दे दिया कि रूप तुम धन्य हो, परम भागवत प्रवर और रसिक रसाचार्य साक्षात तुम हो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को ये दर्शन दिया। और सनातन गोस्वामी के विषय में वर्णन है कि वे प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से चलकर गोवर्धन और फिर गोवर्धन की परिक्रमा रोज, और 1000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। करते 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 वृद्ध बूढ़े हो गए, ठीक से अब तो चला नहीं जा रहा था। स्वयं मदन गोपाल, अब तो ये मदन मोहन, जब से राधा रानी आई है ना तब से गोपाल नाम निकल गया, अब ये मदन मोहन हो गया। आहा, मदन को भी मोहित करने वाले है? तो अब ये मदन मोहन ने स्वप्न दिया कि देखो सनातन तुम्हें ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मैं कैसे गोवर्धन परिक्रमा छोड़ सकता हूं। बोले नहीं, मैं तो करूंगा। तब मदन गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हें गोवर्धन शिला देता हूं, तुम्हारे मन में इतना ही है तो एक काम करो, इस गोवर्धन शिला की 4 परिक्रमा कर देना, तुम्हें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। आज भी मदन मोहन जी के द्वारा दी गई गोवर्धन शिला वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है, आप दर्शन कर सकते हैं। इतना होने पर भी सनातन, हम तो क्या ना वो 4 परिक्रमा करके मान लेते हैं कि चलो फल मिले, लेकिन इतना होने पर भी सनातन गोस्वामी गोवर्धन जाते थे और परिक्रमा करते थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की लीला अनंत है, अपार है, अपरिसीम है। वो कथा तो आप जानते ही है ना, शिव जी का एक भगत था, शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा कि मुझे पारस मणि चाहिए। शिव जी ने कहा कि यमुना के तट पर मेरा एक भगत रहता है, उनके पास से जरा मेरा नाम देना और ले लेना। वो आदमी यमुना के तट पर आया, सनातन गोस्वामी कुटिया में रहते थे। पहले तो बिल्कुल उनका मन विचलित हो गया, बोले यदि इसके पास पारस मणि होगा तो ये कुटिया में थोड़ी रहेगा, ये तो बहुत बड़े बंगले में रहेगा। फिर भी शिव जी ने कहा पूछ कर तो देखूं। गया अंदर, बोले मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारस मणि है? सनातन गोस्वामी महामंत्र जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, महामंत्र जप करके कहा हाँ वो जो डस्टबिन है ना वो कूड़े कचरे में जरा देख लो, वहां से मिल जाएगा। इसने कचरा पेटी उल्टी की, डस्टबिन को ऐसे उल्टा किया, कचरा ऐसे खोजा, उसमें से पारस मणि निकाला। बोले शिव जी धन्य है, आदमी धन्य है, नाचते कूदते अपने घर जा रहा था लेकिन थोड़ा बुद्धिमान था। बोले जिस आदमी ने पारस मणि को कचरे में फेंक दिया इसका मतलब तो ये बनता है कि उसके पास पारस मणि से भी बड़ी चीज है, मतलब वो इससे भी बड़ा चीज लेकर बैठा है, तब तो इसको फेंक देगा। ये वापस आया और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरा, महाराज आपने पारस मणि जैसे, मतलब लोहे को टच करो तो सोना बन जाए, ऐसी पारस मणि को कचरे में फेंका,
तो निश्चित आपके पास इससे भी बड़ी चीज होगी। बोले हैं, बोले तो वही दे दो ना मुझे, ये छोटी चीज देकर क्यों निकाल रहे हो। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, यदि इससे भी बड़ी चीज मेरे पास है, यदि चाहिए तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो उसने जोर से फेंका, यमुना में डाल दिया, यमुना में फेंक दिया। बोले अब दो। बोले मेरे पास जो चीज है ना, पारस मणि तो इस दुनिया की चीज है, लेकिन मेरे पास ये पृथ्वी, जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सिद्धलोक और उससे भी ऊपर गौलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे पास तो गौलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम दिया और वह आदमी कृतार्थ हो गया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने वैराग्यपूर्ण जीवन और इनका उद्धार किया। सनातन गोस्वामी नंद गांव पावन सरोवर पर उनकी भजन कुटीर आप जानते हैं, एक बहुत सुंदर लीला है। सनातन गोस्वामी कई दिनों से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, चार दिन से उनको भोजन पानी आदि नहीं मिला। अब भगवान कैसे रह पाएंगे, तो वही मदन गोपाल सुंदर सखा का रूप लेकर, बालक का रूप लेकर आए, हाथ में बहुत सुंदर दूध का लोटा लेकर आए और कहा कि बाबा ये लो दूध। सनातन बाबा ने पूछा कि भाई तुम कौन। बोले हम चार भाई हैं, एक है हरिदेव, दूसरे हैं बलदेव, तीसरे हैं केशवदेव, चौथे हैं गोविंद देव, और एक गोवर्धन में रहता है, एक दाऊजी में, एक मथुरा में, ब्रज में। और हमारे वहां हमारे पिता जो है उसका नाम नंद। इन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है। बोले मेरे पिता का नाम नंदू, मेरे पिता का नाम नंदू है, आप ये दूध पी लीजिए, पिताजी ने भेजा है। बोले खाली पात्र। बोले आप पी लो, मैं कल परसों आकर ले जाऊंगा। चले गए। सनातन गोस्वामी जब दूध पिया ना, वो जो खीर खाया था ना कल, बाकी नस नसें हिल गई सनातन गोस्वामी की। बोले ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये तो निश्चित ये कोई भगवान का ही कोई योग है। सनातन गोस्वामी खोजने लगे, भाई नंदू कहाँ रहता है, क्योंकि उसने कहा था मेरे पिताजी का नाम नंदू है, नंदू कहाँ रहता है, नंदू कहाँ रहता है। ब्रजवासियों ने कहा कि नंदू फंदू कोई नहीं है, वो नंद का लाला ही तुम्हारे पास आया था और तुम्हें दूध पिलाकर चला गया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की यह लीला है। यह करते करते श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी विक्रम संवत 1615 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और जिस दिन सनातन गोस्वामी नित्य लीला में गए ना, उस दिन ब्रज के प्रत्येक लोग रोए थे, ब्रज के पशु पक्षी भी उस दिन आंखों से अश्रु की धारा बह गई थी। जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं थे वे भी उस दिन रोए थे, और उस दिन पूरे ब्रज ने मुंडन करवाया था कि आज हमारे ब्रज का संत चला गया, पूरे ब्रज ने। इसलिए आज भी वो उसे मुंडन पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मनाते ना, उस दिन सनातन गोस्वामी ने अपना प्राण त्यागा। आप देखिए सनातन गोस्वामी ने संसार से बहुत कम लिया, छांस पीते, सूखी रोटी खाते, लेकिन मानव समाज को क्या क्या देकर गए। एक तो ब्रज भूमि हमको देकर गए, और फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए महान ग्रंथ आप नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ बृहद भागवतामृत, आप रुकिए ये सब आने वाला है, अद्भुत ग्रंथ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में यदि सिंसियर और सीरियस होना है तो बृहद भागवतामृत पढ़ना चाहिए, अद्भुत ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से दो चीज का वर्णन है, एक सबसे बड़ा भक्त कौन, और दूसरा इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान कौन सा, बृहद भागवतामृत। और बृहद भागवतामृत की टीका उन्होंने लिखी, तो यह ग्रंथ हुआ। दूसरा ग्रंथ हुआ हरि भक्ति विलास,
अद्भुत। भक्ति के जो कार्य है, जैसे अगरबत्ती क्यों करते हैं, दामोदर महीने में हम दीप दान क्यों करते हैं, उसके प्रमाण के साथ हरि भक्ति विलास। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा दिग्दर्शिनी, हमने वो दामोदर लीला सुनी थी ना, यही सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी टीका से। चौथा ग्रंथ लिखा लीलास्तव, श्री लीलास्तव, श्रीमद् भागवत के प्रथम दशम स्कंद के प्रथम 52 अध्यायों को सूत्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया श्री लीलास्तव में। पांचवा ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने टीका लिखी जिसका नाम लिखा बृहद वैष्णव तोषिणी। कभी कभी हम उनसे बोलते हैं, आप सबने नाम सुना होगा बृहद वैष्णव तोषिणी टीका। सनातन गोस्वामी के ये पांच अद्भुत ग्रंथ, और ऐसा कहा जाता है कि लघु हरिनामामृत व्याकरण जो है ये भी सनातन गोस्वामी ने लिखा। कल रूप गोस्वामी के ग्रंथों को कहना बाकी रह गया था, तो श्री रूप गोस्वामी ने भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ है हंसदूत, रूप गोस्वामी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये तो मदन गोपाल इनको टाइम दे तो कुछ लिखे ना, यहाँ तो रूप गोस्वामी ने तो लाइन लगा दी। पहला ग्रंथ लिखा हंसदूत रूप गोस्वामी, दूसरा उद्धव संदेश, तीसरा राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। राधा और कृष्ण लीला में कौन से पात्र, उसका क्या रोल है, कहाँ रहते हैं, ये सब राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। चौथा ग्रंथ स्तव माला, पांचवा श्री कृष्ण में। एक ग्रंथ में क्या क्या है केवल इसको बताने जाऊं तो एक कथा हो जाएगी, केवल मतलब मोटा मोटी इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में क्या है। लेकिन चौथा ग्रंथ स्तव माला, पांचवा ग्रंथ कृष्ण जन्म तिथि विधि, ये ग्रंथ, ये सब मेरे पास है। कल मैं इसका लिस्ट बना रहा था कि भाई रूप गोस्वामी के कौन से हैं। कृष्ण जन्म तिथि विधि, छठा ग्रंथ अष्टादश लीला जिसमें नंदोत्सव आदि का वर्णन, सातवां ग्रंथ दान केली कौमुदी, आठवां भक्ति रसामृत सिंधु जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, नौवां ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि, दसवां ग्रंथ प्रयुक्ताख्या चंद्रिका, ग्यारहवां मथुरा महात्व्य, बारहवां पद्यावली जो मैंने आपको कहा था पर्सनल डायरी पद्यावली, तेरहवां ग्रंथ लघु भागवतामृत, चौदहवां ग्रंथ निकुंज रहस्य स्तव, पंद्रहवां ग्रंथ नाट्य चंद्रिका, सोलहवां ग्रंथ विदग्ध माधव, सत्रहवां ग्रंथ ललित माधव। तो 17 ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने लिखे, 5 ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने, और मानव समाज को ये बहुत सुंदर भेंट देकर दोनों भाई भगवान की लीला में चले गए। आइए अब हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में सुनेंगे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। श्री रूप गोस्वामी की कथा श्रवण की, श्री सनातन गोस्वामी की जीवन चरित्र संक्षिप्त में हमने सुना। आइए अब क्रम के अनुसार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में हम श्रवण करें। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं छवि, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की है। थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। पद्मावती के तट पर रामपुर नाम का एक गांव, और उस रामपुर गांव में पुण्यवान अति सार ग्रही ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था श्री तपन मिश्र। क्या नाम था? श्री तपन मिश्र। अब तपन मिश्र के विषय में एक उनकी विशेषता ये थी, ये किसी भी विषय का सार तत्व या उस विषय का तथ्य ग्रहण करना चाहते थे। कोई भी सब्जेक्ट सुने तो उसका सार क्या है, उसका तथ्य क्या है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से क्या है, उनके सार में जाते थे, उनके तत्व को समझना चाहते थे।
श्री तपन मिश्र ने अनेक अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। क्या निर्णय नहीं कर पाए? बोले जीव का साध्य क्या है और उस साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। वो जानना चाहते थे कि जीव का परम अर्थ क्या है और उस परम अर्थ को प्राप्त करने का साधन क्या है। वो तपन मिश्र जानना चाहते थे कि जीव किस वस्तु को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है और उस वस्तु को प्राप्त कैसे किया जाता है। इन सब विषयों को लेकर, इन सब शंकाओं को लेकर बड़े चिंतित थे और उनका चित्त बहुत अशांत था। बहुत अच्छा है क्योंकि गीता में तो कृष्ण ने कहा है कि जिनके हृदय में संशय होता है वो तो नष्ट ही हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, ये नष्ट नहीं हुए, ये केवल चिंतित हुए, उनका चित्त अशांत हुआ। और एक दिन वही पुराण शास्त्रों को पढ़ते हुए मन में चिंता लेकर, हाय रे जीवन का लंबा समय बीता लेकिन अभी भी अंधेरे में हाथ मार रहा हूं, फांफा मार रहा हूं। आप में से भी मैं कई लोगों को जानता हूं कि जन्म से ही सुसंस्कृत परिवार में जन्म हुआ, श्रद्धा भाव सब कुछ था, लेकिन कंक्लूजन नहीं जानते थे कि आखिर लक्ष्य क्या है, क्या करना है, कहां पहुंचना है। और ये तो प्रभुपाद जी की संस्था में आने के बाद हमें पता चला कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। एक दिन इसी चिंता को लेकर रात को सोए और तपन मिश्र को रात को स्वप्न में एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ और उस परम पुरुष ने कहा कि चिंता मत करो, तुम निमाई पंडित के पास जाओ, वो निमाई पंडित तुम्हारा सारा संशय दूर करेंगे, सारी चिंता का समाधान करेंगे। सुबह उठते ही इंक्वायरी करने लगे, निमाई पंडित कहां रहता है। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से नवद्वीप की ओर जा रहे थे और जाते समय रास्ते में रामपुर नाम का गांव था, वहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे और तपन मिश्र भी चलते चलते रामपुर गांव में पहुंचे और रामपुर गांव में निमाई पंडित, निमाई पंडित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास नहीं हुआ है, संन्यास के पहले की बात है। तो रामपुर गांव में संन्यास के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित और तपन मिश्र का मिलन हुआ और मिलन होते ही तपन मिश्र अष्टांग प्रणाम करने लगे, निमाई पंडित के चरणों में गिर गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साध्य साधन और तत्व की जिज्ञासा करने लगे। महाप्रभु ने कहा, तपन मिश्र तुम बड़े भाग्यशाली हो। बोले मैं भाग्यशाली? इतने दिनों से चिंतित और भाग्यशाली कैसे? बोले तुम भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे मन में ये सब प्रश्न हो रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। बाकी दुनिया वालों के मन में तो यही प्रश्न होता है कि अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है, यहाँ बर्गर अच्छा कहाँ मिलेगा, दुनिया तो यही में फंसी है। एटलीस्ट तुम वहां से तो ऊपर उठे, भले आंसर नहीं मिला लेकिन उच्च जिज्ञासा तो करने लगे, आपकी इंक्वायरी तो हायर क्वालिटी की है। महाप्रभु के सुंदर शब्द, तपन मिश्र इस दुनिया में कृष्ण की भक्ति जो है ना अत्यंत दुर्लभ है और ऐसी अत्यंत दुर्लभ भक्ति के विषय में कोई जानना चाहता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तपन, कृष्ण भक्ति करने के लिए निश्चित ही बहुत सारी वस्तु और विषयों को जानने की आवश्यकता होती है। क्या क्या जानना होता है?
कृष्ण भक्ति के लिए सबसे पहले भजन किसका किया जाए, भजन करने का अधिकारी कौन है, भजन करने के लिए कैसी चित्त वृत्ति की आवश्यकता है, जीव का स्वरूप क्या है। तपन मिश्र, भजनीय ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव के साथ हमारा स्वरूपगत संबंध क्या है, जीव का स्वरूपानुबंधी कर्तव्य क्या है। देखिए ये सब बेसिक प्रश्न है, आप सब इतने सालों से कथा सुन रहे हो ना, ये सब याद होना चाहिए, और नहीं है तो आप प्रश्न पूछो, ये सब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी हम भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सब भक्ति करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तपन मिश्र, तुम भी अपने गांव से दूर आए, मैं भी अभी घर पर जा रहा हूं, क्योंकि हमारे वहां होता ना, आप मतलब भारत जा रहे हो तो कहीं ट्रांजिट होकर जाना होता है, तो कहीं एक दो घंटा आप रुके हो किसी एयरपोर्ट में, और वहाँ कोई मिल जाए और कह कथा मांडो, तो वहाँ थोड़ी मांड सकते हैं, वहाँ तो दो पाँच मिनट चर्चा हो सकती है। तो ऐसे ही था महाप्रभु को, उस रामपुर गांव में केवल आधा एक घंटा महाप्रभु रुके थे, तो कहा देखो तपन मिश्र, अभी तो मैं तुम्हें ये सब ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारे गाँव वाराणसी में आऊँगा, और जब मैं काशी वाराणसी आऊंगा तो हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इन सारी वस्तु का कंक्लूजन जो है ना वो एक ही है, और वो है हरि नाम। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, मैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सो कलयुग में हरि नाम जो है सबका सार है। तो तपन मिश्र, तुम फिलहाल अपने घर पर जाओ, और घर जाकर इस महामंत्र का जाप करो। इस महामंत्र का जाप करने से दो चीज होगी, ध्यान से सुनिएगा। एक तो इस महामंत्र का जाप करने से हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय में ये जो तुम्हारी इंक्वायरी है वो अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। अन्यथा आपकी इंक्वायरी का आंसर अपने आप न मिले तो हृदय इतना शुद्ध होगा कि कोई बंदा, कोई साधु संत आपको मिलेगा तो उनसे आपको ज्ञान ग्रहण कर पाओगे, ऐसी पात्रता हो जाएगी। इसलिए तुम अपने घर वापस जाओ और मैं तुम्हारे पास। तपन मिश्र वापस लौट रहे थे, जाते जाते महाप्रभु को वो स्वप्न सुनाया, ध्यान से सुनिएगा। बोले मुझे रात को स्वप्न आया था, एक परम पुरुष मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आपके पास भेजा। महाप्रभु ने कहा धीरे बोलो, ये बात आपने मुझे कही है, आज के बाद और किसी को मत कहना, इसे तुम गुप्त रखना। यहां पर एक सिद्धांत और मिलता है कि आप लोगों के स्वप्न में कभी लड्डू गोपाल, कभी कृष्ण, कभी राधा रानी आती है ना, इसको गुप्त रखना चाहिए। ये यदि समाज में संसार में बोलने लगे तो ये सब लीलाएं बंद हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तपन इसको गुप्त रखना, सबको मत सुनाना। तो इस प्रकार से महाप्रभु उस रामपुर से नवदीप चले गए और तपन मिश्र अपने गाँव में आ गए। अब 24 वर्ष की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, और सन्यास लेने के बाद वे वृंदावन की ओर जब प्रयाण करने लगे तो वे झारखंड से होकर काशी वाराणसी पहुंचे। अब झारखंड में चैतन्य चरितामृत में लीला है कि झारखंड में पशु पक्षियों को कीर्तन करवा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। हाथी को थप्पड़ मारा चल नाच, सिंह को थप्पड़ मारा हाथी, सिंह, हिरण, खरगोश, सबको एक साथ नृत्य करा दिया। और ये बात आश्चर्य नहीं है, इसी बात को चरितार्थ किया श्रील प्रभुपाद जी ने। जैसे हाथी, खरगोश ये सबको नचाया, वैसे प्रभुपाद ने अमेरिकी, यूरोपियन, काले, गोरे, नाटे, मोटे सबको एक मंच पर नचा दिया।
नहीं तो एक ये सब लोग अपने एक एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर तान कर खड़े रहने वाले लोग, जैसे सिंह हिरण को खा जाता है वैसे ये सब थे। लेकिन भक्ति और महामंत्र के प्रभाव से प्रभुपाद ने सबको एक साथ मिला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद झारखंड होकर पहुंचे काशी में। अब देखिए काशी में मणिकर्णिका घाट है, तो महाप्रभु ने वहां स्नान किया और उसी समय ये तपन मिश्र स्नान करने आए, उसने भी डुबकी लगाई स्नान किया। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो सोचा कि इसको कहीं मैंने देखा है, है? कहां देखा है? अरे ये वो चैतन्य वो निमाई पंडित तो नहीं है? प्रणाम करके कहा निमाई पंडित, बोले हाँ मैं। बोले तो आपके इतने अच्छे अच्छे बाल, बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के बाल थे, सुंदर वस्त्र थे, बोले सब कहा? तो कहा मैंने संन्यास ले लिया है और मैं संन्यास लेकर यहां पर आया हूं। तब तपन मिश्र ने कहा कि आप कहाँ रुके हो, मतलब आप यहाँ आए हो तो रुके कहाँ हो? बोले मैं चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुका हूँ। तपन मिश्र ने चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु आपको रुकना जहाँ आपकी मर्जी, लेकिन जब तक आप काशी में वाराणसी में हो भोजन आप हमारे घर पर करोगे, आप इतना अधिकार दीजिए, आप इतनी सेवा का मौका दीजिए, भोजन हमारे घर पर। देखो ये नींव लग रही है किसकी? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। हमारे घर पर यदि हम चाहे कि ऐसे बच्चे जन्म ले, हमारे परिवार में ऐसे भट्ट रघुनाथ भट्ट जैसों का जन्म हो, तो साधु संतों को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए और महाप्रभु को स्वरुचि बहुत सुंदर भोजन कराया। कैसे? थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से। प्रभु र चरणोदक संवंश केल पान भट्टाचार्य पूजा केल करिल सम्मान। सबसे पहले तो महाप्रभु को घर पर बुलाया ना। जैसे ही महाप्रभु घर पर आए तो महाप्रभु के चरणों को धोया, चरण पखारे, जैसे केवट ने राम जी के चरण धोए थे, चरण पखारे। और चरण धोने के बाद महाप्रभु के चरण का जो जल था, सवंशे माने तपन मिश्र का जो पूरा वंश है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन सब ने महाप्रभु के चरण जल को पिया। और भट्टाचार्य के साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा और सम्मान किया और फिर चैतन्य महाप्रभु को बिठाकर सुंदर भोजन कराए और भोजन भी बहुत अच्छी तरीके से। चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे, प्रभु आपको और एक रोटी लेनी ही पड़ेगी। महाप्रभु ने कहा नहीं 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 प्रभु आपको साग की सब्जी अच्छी लगती है, आपको लेनी, मतलब हमारे भारत की विधि के अनुसार, ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं, खाना है ले लो, यहाँ हमारे यहाँ बूफे डिनर चलता है। गुरुजी कहते हैं ये बूफे डिनर नहीं, ये बफेलो डिनर है, खड़े खड़े भैंस खाती है। भारत की संस्कृति हमारी दृष्टि से, पहले के जमाने में जब शादियां होती थी ना तो पंगत में बिठाकर भोजन कराते थे और फिर कितना भाव से प्रेम से दिया जाता है, फिर घरधणी आते हैं, घरधणी समझते हैं, फिर वो मिठाई देते हैं, मोहन थाल देते हैं, लाडवा वो खिलाते हैं। तो हमारे वहां हमारे शास्त्रों में भी नीति में भी कहा गया है कि घर पर आए, देखो ये मैं बोल रहा हूं मुझ पर मत अजमाना, क्योंकि ये कभी कभी मुझे बहुत भारी पड़ जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे नीति में लिखा है कि घर पर आए हुए अतिथि को भोजन कराओ, वो ना कहे फिर भी डालो, ना कहे फिर भी डालो, ना कहे कब तक डालो? जब तक वो सिंह की तरह गर्जना ना करे बस तब तक डालते रहो। मैंने पहले ही कही है मेरे पर मत अजमाना, क्योंकि मैं आप लोगों के घर पर आता जाता हूं तो कुछ लोग मुझे मेरा ही श्लोक याद कराते हैं, इसलिए खिला खिला कर मोटा बना देते हैं। खैर लेकिन ये घर पर हम तो वैसे भी साधु संत नहीं है, कोई साधु संत आते हैं तो उसे प्रेम से प्यार से खिलाना चाहिए, ये हमारे देश की विधि है। सो तपन मिश्र ने बहुत सुंदर भोजन कराया और भोजन करने के बाद महाप्रभु की थाली में
कुछ भक्त बड़े चतुर होते हैं, जानबूझकर साधु संत या गुरुजी को ज़्यादा भोजन डाल देते, क्योंकि पूरा तो खाएंगे नहीं, और फिर जो बचेगा तो उनका उच्चिष्ट हम लोग खा सकते हैं। तो ऐसा ही किया, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन पा लिया और फिर जो थोड़ा बहुत महाप्रसाद बचा, तो क्या कहते हैं, प्रभुर मतलब चैतन्य महाप्रभु का शेष अन्न, बचा हुआ अन्न मिश्र संवेशे खाईला। तपन मिश्र समवंशे, मतलब अपने वंश के साथ, अपने बच्चे पत्नी के साथ महाप्रभु के बचे हुए महाप्रसाद उच्चिष्ट प्रसाद को खाया। और जब तक भोजन हुआ तब तक वो चंद्रशेखर, जिनके घर पर महाप्रभु रुके थे, वो आ गए। प्रभु आयला सुनी चंद्रशेखर चंद्रशेखर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कहा गया, मिश्र कहे, तपन मिश्र ने क्या कहा, मिश्र कहे प्रभु जावत काशी ते रहिला, प्रभु आप जब तक इस काशी में रहोगे ना, मोर निमंत्रण बिना अन्न न खाईला। मेरे निमंत्रण के बिना आप किसी के वहां भोजन नहीं करोगे, इतना वादा कर दीजिए। जब तक आप काशी में रहोगे केवल हमारे घर पर ही भोजन, आप किसी के घर पर जाओ, आशीर्वाद दो, प्रवचन करो, जो भी आपको कीर्तन करना है करो, लेकिन प्रसाद का समय आएगा तो आप हमारे घर पर। क्योंकि तपन मिश्र बहुत अच्छा भोजन बनाते, उससे भी अच्छा भोजन उनकी पत्नी, और उससे भी अच्छा भोजन उनका बेटा बनाता था। सो आप हमारे घर पर देखो। अब दूसरी लाइन में मेन मुख्य पॉइंट, एई मत महाप्रभु दुई भक्त वशे, महाप्रभु अपने भक्त के वश में हो जाते हैं जब कोई उनसे प्रेम करता है, और अपने भक्त के वश में होकर, इच्छा नहीं, महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि मैं रोज इनके घर पर भोजन लूं, लेकिन भक्ति इतनी थी, भाव और प्रेम इतना था, तबु तथा रहिल दीन दशे, इच्छा नहीं होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के घर पर रहते थे। और क्या होता था, विप्र सब निमंत्रये, अब काशी के लोग तो निमंत्रण देते थे, हमारे घर पर आओ, हमारे घर पर आओ भोजन करो, तब क्या कहते, विप्र सब निमंत्रये प्रभु नाही माने, प्रभु कहे आजी मोर हये छे निमंत्रण है। तो काशी के लोग निमंत्रण देते हैं, हमारे घर पर भोजन करने आओ, हमारे घर पर भोजन करने आओ, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले भाई आज मेरा फिक्स हो चुका है श्यामानंद के घर पर, दूसरे दिन आते आप हमारे घर पर आओ, आज हमारा फिक्स हो गया है श्यामानंद के घर पर, तीसरे दिन आते आप हमारे घर पर आओ। तो ये महाप्रभु पहले से ही बोल देते कि भाई हमारा फिक्स हो चुका है। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वहां रहते। और अब महाप्रभु भोजन के बाद थोड़ी नींद आती है ना, भोजन के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करना चाहिए, फिर थोड़ा सो जाओगे ना तो भोजन सेटल हो जाता है। तो महाप्रभु थोड़ा सा विश्राम करते थे, तब तपन मिश्र अपने बेटे को कहते थे महाप्रभु के चरण दबाओ। तो तपन मिश्र का बेटा महाप्रभु का चरण, अब तपन मिश्र के बेटे को कितना सौभाग्य मिला, एक महाप्रभु के लिए भोजन बनाना, उसको माताजी को हेल्प करना, कटिंग आदि करना। तपन मिश्र का बेटा महाप्रभु भोजन करने के बाद उनका उच्चिष्ट खाने का सौभाग्य मिला। तपन मिश्र के बेटे को महाप्रभु के सोने के बाद उनके चरण दबाने का सौभाग्य मिला। तो भक्तों, वह तपन मिश्र का बेटा और कोई नहीं, वही है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के एक और एकमात्र पुत्र है। और 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन किए, और 10 दिन तक इस बालक ने, ये लगभग छोटे थे, 8 साल के होंगे, इन्होंने महाप्रभु का संग किया, महाप्रभु का सानिध्य लिया, और महाप्रभु की चरण सेवा, महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद सब खाकर इनको बचपन में ही वैराग्य हो गया। और फिर इनकी बड़ी लीला है, मुझे मेरी इच्छा है मैं विस्तार से सुनाऊं, तो आज हमने भूमिका कर ली है, कल हम इसको थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे और अन्य गोस्वामी आचार्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सब भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, तपन मिश्र के घर पर आज विश्राम है। अब महाप्रभु 10 दिन रह सकते, हम लोग 1 दिन नहीं रह सकते,
तो आज हम लोग तपन मिश्र के घर पर रहेंगे, उनके घर पर भोजन खाएंगे, वहाँ भोजन की बड़ी महिमा है, महाप्रभु का उच्चिष्ट लेंगे। आज की रात वहीं पर विश्राम करना है, कल फिर से मिलेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से धैर्य से कथा का श्रवण किया, का भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, महाभागवत षड् गोस्वामी गण की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।